ये बीवी और गैंगस्टर 3 के सामने बॉक्स ऑफिस पर उतरी है हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। फिल्म कितनी धमाकेदार है इसका अंदाजा तो फिल्म के क्रिटिक्स रिव्यू से ही लगा सकते हैं। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से 4 स्टार मिले हैं। जी हाँ, फिल्म को धमाकेदार रिस्पांस मिल रहा है। मिशन इम्पॉसिबल हॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी है। ये हॉलीवुड फिल्म की धमाकेदार एक्शन सीरीज है जिसने सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी धूम मचाई है। 1996 में इस फिल्म का पहला पार्ट आया था जिसके बाद हर 4 से 6 साल में इस फिल्म का सीक्वेंस आ ही जाता है। मिशन इम्पॉसिबल की हर सीरीज में टॉम क्रूज ही इसके हीरो रहे। 56 साल की उम्र में भी फिल्म में टॉम क्रूज ने ऐसे ऐसे स्टंट्स किए हैं कि उन्होंने यंग एक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं इस तरह के एक्शन सीन तो आप बॉलीवुड में भूल ही जाओ। तभी तो 1996 से लेकर 2018 तक टॉम क्रूज इस फ्रेंचाइजी की जान रहे हैं। टॉम क्रूज ने फिल्म के अपने सारे स्टंट्स खुद ही किए हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर मैकवरी। वो 5वें पार्ट रोग नेशन को भी डायरेक्ट कर चुके हैं जिसकी जबरदस्त तारीफ हुई थी, और इस फिल्म में भी उनका डायरेक्शन कमाल का है। इस बार फिल्म की कहानी रोग नेशन की कहानी को आगे ले जाकर इसे कंप्लीट करती है। सोलोमैन लेन नाम का एक अपराधी अपने दुश्मन देशों का खात्मा करना चाहता है और वो इसके लिए वॉर करवाना चाहता है। इस वॉर को रोकने के लिए इथन हंट, बैंजी और लूथर मिलते हैं और फिर शुरू होता है मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। इसके अलावा फिल्म में जूलिया और इथन के बीच इमोशनल सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। वेल, अगर आप हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों को देखने के शौकीन हैं तो ये फिल्म सिर्फ आपके लिए ही है।